चार साल पहले मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने प्यार की जो दुनिया बसाई थी वो एक ही झटके में बिखर गई। और इस रिश्ते के बिखराव के पीछे की एक वजह करोड़ों की मार्केट वैल्यू वाला हसीन फार्म हाउस है। आज एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा मोहम्मद शमी का अमरोहा में बना वही फार्म हाउस जो पति पत्नी के इस रिश्ते में दरार की एक अहम वजह माना जा रहा है। चार साल पहले एक दूजे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इस जोड़े की दुनिया आज बर्बादी की कगार पर खड़ी है। अपने लिए एक हसीन जहां बसाने का जो ख्वाब इस जोड़े ने देखा था अब वो भरोसे के कत्ल की कहानी बन चुका है और इस कहानी में कई नए मोड़ आ रहे हैं। अब इस विवाद के पीछे की एक बड़ी वजह कोलकाता से 1400 किलोमीटर दूर यानी अमरोहा में सामने आई है। पहली बार टीवी पर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है मोहम्मद शमी का वो फार्म हाउस जिसको उसके परिवार के सूत्रों का उनके रिश्तेदारों का दावा है कि ये भी दोनों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। तो पहली बार देखिए मोहम्मद शमी का हसीन फार्म हाउस। जी हाँ, नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर हसीन फार्म हाउस और नीचे शमी प्रॉपर्टीज, दोनों का नाम यहाँ पर तस्दीक किया गया है, चस्पा किया गया है, बुढ़नपुर रोड सहसपुर अली नगर। शमी और हसीन जहां के रिश्ते की तरह इस बोर्ड पर लिखे नाम का रंग भले ही अब फीका पड़ चुका हो लेकिन इसकी कीमत करोड़ों की है। पहले आपको समझाते हैं कि आखिर 150 बीघे में फैले इस फार्म हाउस की मार्केट वैल्यू है क्या। हाईवे से ये सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे जमीनों का रेट क्या होगा? लगभग यहाँ से सुनने में आया था 8-10-5-6, मतलब ये जैसी जमीन है जैसे ये तो हाईवे के पास की बिल्कुल नजदीक की जमीन है, ये तो अच्छी जमीन है। हाँ तो 8 के 10 के करीब। मतलब हसीन जहां फार्म हाउस की मौजूदा कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए के बीच है। परिवार के सूत्रों के मुताबिक इस फार्म हाउस का नाम भले ही हसीन जहां के नाम पर हो लेकिन सरकारी कागजों पर हसीन जहां की हिस्सेदारी 1 रुपए की भी नहीं और ये भी विवाद का एक कारण है। जो मोहम्मद शमी के परिवार वालों का कहना है कि हसीन के दिमाग में ये था कि इस जमीन में उनको शायद कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो सूत्रों से हमें पता चला है कि ये जमीन एक ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई है और मोहम्मद शमी यहाँ पर भविष्य में एक स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की बड़ी वजह यही फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस में मोहम्मद शमी क्रिकेट एकेडमी बनाना चाहते थे लेकिन उनका ये सपना पूरा हो पाता इससे पहले जमीन का ये टुकड़ा हसीन जहां और शमी के बीच विवाद की वजह बन गया। अमरोहा से रक्षित सिंह की रिपोर्ट। दिवांग, अब ये जो नया एंगल आया है फार्म हाउस का, इसके बाद तो ये सवाल उठेगा कि ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन्हें उसी तरह से लिया जाए या कहानी में ट्विस्ट है? देखिए, अब ऐसे मामलों में लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, लोभ की वजह से आदमी कुछ भी कर देता है। अब मोहम्मद शमी को लग रहा था कि अगर इस तरह की कुछ मांग हसीन ने रखी हुई है तो उस मांग को सुनना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, तो उससे वो बच सकते थे। ये भी कहा जा रहा है कि भाई शमी का जो परिवार के उनके जो भाई हैं वो उनके लिए उनकी तरफ से इन्वेस्ट किया करते थे, उससे भी उनको परेशानी थी। उनका दूसरा निकाह था, वो चाहती होंगी कि सिक्योर रहें आगे के लिए सब कुछ। तो इसमें एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी से बातचीत क्यों नहीं की। एकदम साफ दिखाई देता है, उनकी पत्नी लगातार मांग करती रही, मोहम्मद शमी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो एकदम दिखाई देता है। एक तरीके से उनको लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो भाव है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंडिया के लिए खेलता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, ये भाव जब आ जाता है तो आप गलत कदम भी उठाते हैं तो भी आप उठाते ही चले जाते हैं। हाँ, और ये महंगा भी पड़ा है मोहम्मद शमी को, हम आपको ये बता दें, बहुत महंगा पड़ा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।